Hey, what's up guys? Anuj here, और आज हमारा फर्स्ट डे है Amazon का। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम एक ब्लॉग शूट कर रहे होंगे, फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि अमेज़न वाले क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर बैठ के ही आज हम अमेज़न का फर्स्ट डे पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है हमारा 9:30 पार हो चुका है, 9:46 हो रहा है, 9:46 AM। और मेरे पास अभी मेरे मैनेजर का कॉल आने वाला है। बेसिकली हुआ क्या, ये जो मेरे पास लैपटॉप है, ये लैपटॉप देख रहे हो, एसी की अनबॉक्सिंग की थी लास्ट टाइम हमने, इसके अंदर अभी भी एडमिन एंड टोकन एडमिन है, तो वो मुझे इसके क्रेडेंशियल दे रहे होंगे कि कैसे इसको ओपन करना है। तो मैं वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और बने रहिए जब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉल है, इसको हम फिर रहते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को पासवर्ड मिल चुका है, मैं अपने इस लैपटॉप के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। और अब ये जो सिक्योरिटी कीज हैं, इनको मुझे सेटअप करना है, इनको मुझे रजिस्टर करना है इंटरनल सर्वर पे अमेज़न के, ठीक है। तो मुझे वो करना है, देन ईमेल आईडी भी मुझे मिल चुकी है अमेज़न से, ठीक है। तो वो ईमेल आईडी भी मुझे जाके उसका पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी एक डमी पासवर्ड दिया हुआ है, और कुछ कुछ सिक्योरिटी पिंस दे रखी हैं जिनको, जो अभी टेम्पररी हैं, तो उनको मुझे जाके परमानेंटली सेट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं सेटअप कर लेता हूँ, मेरी मैनेजर से बात हो चुकी है, और उन्होंने गाइड दे रखे हैं जो कि मुझे प्रॉपरली ठीक से गाइड भी कर दे रही है सब चीज़ों के लिए। तो मैं ये सारे स्टेप्स एक बार कर लेता हूँ, उसके बाद अपने मैनेजर से बात करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी भी सारा का सारा सेटअप कर लिया, ठीक है, जो भी स्टेप्स से सारे सेटअप कर लिया, और 11:42 टाइम हो चुका है। काफ़ी सारे स्टेप्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, काफ़ी सारे पासवर्ड सेट करने थे दोबारा से। मेरे मैनेजर का भी मैसेज आ गया मेरे पास कि ग्रेट, मैंने उनको कहा था कि मेरे सारे के सारे स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिए हैं, और उन्होंने भी कहा ग्रेट। मैं जरा ढूंढ रहा हूँ लोगों को इसके अंदर, मैसेज वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा हूँ, लव बबर को ढूंढा भी अभी इसके अंदर चैन के अंदर, उसको मैसेज कर दिया हाय, आई थिंक अभी वो ऑनलाइन नहीं है। तो सेटअप हो चुका है सारा का सारा, अब जरा मैनेजर से बात कर लेता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो होता है क्या है, आप लोगों के ना कुछ कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, है ना, आपकी कुछ टीम होती है, आपकी टीम के ग्रुप्स होते हैं, स्लैक, जैसे आपने अगर स्लैक फॉलो किया तो स्लैक पर ग्रुप होते हैं, यहाँ पर चाइम्स यूज़ कर रहे हैं तो चाइम्स के ग्रुप होते हैं। तो मेरी जो टीम है उसके ग्रुप में मुझे ऐड कर लिया गया है, और साथ साथ जो टीम मेम्बर्स हैं वो अभी फिलहाल मुझे वेलकम कर रहे हैं, काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं टीम मेम्बर से जरा बातें करता हूँ। इसके अंदर फिलहाल मैं अभी और लॉगिन वगैरह करके देखूंगा चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसके अंदर कौन कौन लोग हैं मेरी टीम के अंदर, कौन कौन लोग हैं दूसरी टीम्स के अंदर, कैसे पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना हुआ है, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ फिलहाल। तो आज आज हमारा डे टू है अमेज़न के अंदर इस ब्लॉक का, और डे वन काफ़ी अच्छा निकला। डे वन के अंदर बेसिकली मैंने अपना डेस्कटॉप वगैरह सेटअप किया, अपने मैनेजर से बात करी, कुछ और लोग भी मिले, उनमें से एक बंदे ने तो मेरी एक्चुअली वीडियो देखी हुई थी, तो उसने मुझे मेरी वीडियो भेजी और उसने कहा कि आपकी वीडियो देखी है मैंने, उन्होंने आई थिंक मेरी वाली वीडियो देखी थी, अनबॉक्सिंग की वीडियो, ठीक है, अनबॉक्सिंग की वीडियो उनको रिकमेंड हो गई क्योंकि अमेज़न की अनबॉक्सिंग थी, तो उन्होंने वहाँ से मुझे देखा और ढूंढा, और उन्होंने मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया, उनसे बातें हुई थोड़ी सी, ठीक है। तो आज का काम बेसिकली क्या रहने वाला, आज मुझे एक इनका एक ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट रहता है जिसके अंदर कुछ कुछ स्टेप दे रखे होते हैं, आपको ये सारे स्टेप तो फॉलो करने ही करने हैं, तो वो सारे स्टेप्स मैं आज फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है।
जिसके अंदर जो मेरा एक स्टेप रहेगा इंपॉर्टेंट वाला, वो ये है कि आज मुझे एक क्लाउड डेस्कटॉप सेटअप करना है। ठीक है, क्लाउड डेस्कटॉप मतलब इनके क्लाउड पे डेस्कटॉप होता है बेसिकली, जहां पर आपका सारा सारा कोड जाता है, वहां पर सारा कोड पुश होता है, देन वहां पर आप टेस्टिंग वगैरह कर पाते हो। तो वो आज मैं सेटअप कर रहा हूँगा। देन कुछ कुछ वीडियोस दिए हैं, कुछ कुछ रिसोर्सेज दिए हैं जो मुझे देखने हैं, जैसे पता चलेगा टीम में कैसे काम होता है, टीम में क्या क्या चीजें होती है, टीम में क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, इन सब के बारे में मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो मैं ये सब करता हूँ। आज आई थिंक एक स्टैंड अप भी है, डेली स्टैंड अप, तो इसके बाद मैं आई थिंक डेली स्टैंड अप में जा रहा हूँ, तो डेली स्टैंड अप को फॉलो करेंगे। ठीक है, वो सब गाइस, अभी अभी डेली स्टैंड अप खत्म हुई और अपनी टीम के लोगों से मिला मैं दोबारा से। स्टैंड अप के अंदर लोग अपना बताते हैं कि कल का क्या था, आज क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, और उनकी प्लानिंग होती है, जो स्प्रिंट प्लानिंग होती है, उसके अंदर वो सब बता रहे थे। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा था मुझे, एक्चुअली मुझे ज्यादा समझ नहीं आया कि क्या चल क्या रहा है, धीरे धीरे करके लेकिन चीजें समझ में आने लग जाएंगी। थोड़ा बहुत ही कोड देख पाया मैं, ज्यादा कोड अभी तक देख नहीं पाया कि किस तरीके से काम होता है। कुछ कुछ जो पॉलिसीज वगैरह होती है, राइट, उन पॉलिसीज की वीडियोस वगैरह है, वो सब जाके देख लिया, उन सबके जो डॉक्यूमेंट्स है उन सबको एक्नॉलेज करना है। तो क्लाउड डेस्कटॉप जो मुझे सेटअप करना था वो फाइनली मेरा सेटअप हो चुका है। अब उसके अंदर एक दो सॉफ्टवेयर्स और डालने हैं, जैसे कि सिंक वगैरह में रहे तो लोकल मशीन और क्लाउड पर सिंक रहे, वो उसके लिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं इंटरनल, वो जरा मैं डाउनलोड करूंगा, वो मैं कल करूंगा। 7 बजे मेरे जिम जाने का टाइम हो जाता है, तो मैं अब जाऊंगा जिम, आप लोगों से मिलता हूँ जिम में। जिम हो गया, अब घर चलते हैं। तो आ चुका हूँ यार मैं जिम से, और यही रूटीन रहता है आजकल। सुबह से जो ट्रेनिंग चल रही थी वो अभी ट्रेनिंग खत्म हुई नहीं है यहाँ पर, वो ट्रेनिंग कुछ दिन चलेगी, 7-8 दिन तो एटलीस्ट चलेगी वो ट्रेनिंग। बेसिकली पूरी की पूरी सेल्फ लर्निंग बेस्ड ट्रेनिंग है, मतलब आपको कम से कम जरूरत पड़ती है टीम मेंबर्स की, लेकिन अगर टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ती भी है किसी चीज में, कहीं पर आप स्टक हो जाते हो, तो उसके लिए आपको एक बड़ी साइन रहता है टीम के अंदर, जिससे आप जब मर्जी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो काफी सही चीज है, बाकी डॉक्यूमेंटेड है काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही अभी तक। तो ये ट्रेनिंग चलेगी चलेगी धीरे धीरे करके, फिर मुझे जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी टीम के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो धीरे धीरे करके मुझे असाइन होने लग जाएंगे। अब मैं अपने टीम मेंबर्स से ज़रा बातें करूँगा, अपने टीम मेंबर्स को जानूंगा कि क्या चल रहा है टीम के अंदर, ये सब चीज़ें चलेंगी, देन इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही होती है ऑनबोर्डिंग, तो इसी तरीके से होती है, आपको धीरे धीरे करके ट्रेनिंग की जाती है, देन आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन अमेज़न के अंदर एक और चीज़ होती है यार, कि लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं अमेज़न के अंदर, तो उनको पूरे टाइम इन्हांस करने के बारे में ही चलता रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो काफ़ी सही चीज़ रहती है, आपके धीरे धीरे करके लीडरशिप प्रिंसिपल्स इंप्रूव होते हैं। बाकी कुछ और रहता है, कभी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, कभी अमेज़न के अंदर मैं कभी ऑफिस का टूर ले रहा हूँ, कभी ऑफिस जा रहा हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी आज तक ऑफिस देखा नहीं है, तो पहली बार देख रहे होंगे हम लोग कि ऑफिस कैसा दिखता है अंदर से, तो वो कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। बस मेरे तो 2 दिन निकल गए इसी ब्लॉग को शूट करते करते, बताना आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा लगा ये ब्लॉग, और कुछ अगर लगाओ कि भैया ये क्या कर दिया तो बता देना मुझे। ठीक है, पहला ब्लॉग है, तो बताना क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, जिससे कि कभी और ब्लॉग बनाएंगे तो वो मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, ये वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कुछ और अच्छी चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।